जोहार जय मूल निवासी, मैं संकेत और आप देख रहे हैं एमएन टीवी। पिछले कुछ महीनों से, तीन चार महीने हो गए हैं लॉकडाउन देश में चल रहा है। कोरोना महामारी से भारत ही नहीं पूरी दुनिया जूझ रही है। भारत में कोरोना मरीजों का जो आंकड़ा है वो 10 लाख के पार हो गया है। एक्टिव केसेस की अगर बात करें तो वो 3 लाख से 3.5 लाख से ज्यादा केस हो गई है। 25,000 से ज्यादा लोगों की मृत्यु हो गई है। और इसी वजह से पिछले 3 महीनों में सरकार ने, यानी केंद्र सरकार ने और राज्य सरकारों ने मिलकर लॉकडाउन किया हुआ था। 3 महीने तक पूरा जो देश है लॉकडाउन में था, किसी प्रकार की कोई एक्टिविटी हो नहीं रही थी, अत्यावश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी कुछ बंद बंद था। लेकिन 1 जून से अनलॉक 1 अनलॉक 2 की प्रक्रिया शुरू हो गई है। देश अभी अनलॉक की तरफ बढ़ रहा है और जैसे जैसे अनलॉक बढ़ रहा है, अनलॉक हो रहा है, उसी वक्त में कोरोना मरीजों की जो संख्या है, संक्रमितों के मामले जो है वो बढ़ रहे हैं। और पिछले 3-4 महीने से जो लॉकडाउन चल रहा है उसी में जो एजुकेशन है वो भी बंद है, स्कूल कॉलेज बंद है, एग्जाम नहीं हो रही है और जो छात्र है, जो विद्यार्थी है वो अपने अपने घरों में बंद है, जैसे जेल में बंद है, ऐसे किस प्रकार का भी कहा जा सकता है। इसी में यूजीसी जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है, इन्होंने एक डिसीजन दिया है। कुछ दिनों पहले ही इन्होंने निर्णय लिया कि ग्रेजुएशन की जो एग्जाम है वो होगी, ग्रेजुएशन की जो एग्जाम है वो लेने का उन्होंने निर्णय किया है। और एबीवीपी जो बीजेपी या आरएसएस की एक विंग है, स्टूडेंट विंग है, उन्होंने इस यूजीसी का समर्थन किया है और काफी सारे जो छात्र है वो इसका विरोध कर रहे हैं। ऑनलाइन एजुकेशन, ऑनलाइन एग्जाम जो है वो होनी चाहिए या नहीं, ये एक हमारे सामने सवाल है। वो होगी तो क्या कुछ किया जाना चाहिए प्रशासन की तरफ से? और ऑनलाइन एजुकेशन की जो बात है वो भी एक तरह से हमें दिखाई देता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो लोगों के पास उतना नहीं है। गांव देहातों में इंटरनेट नहीं है, बिजली की समस्या है। तो इन तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ भारतीय विद्यार्थी मोर्चा के राष्ट्रीय महासचिव राकेश गायकवाड़ जी, जो हमारे साथ मुंबई महाराष्ट्र से जुड़े हैं। उनके बाद भारतीय विद्यार्थी मोर्चा के राष्ट्रीय प्रभारी प्रेम कुमार गेडाम जी, जो हमारे साथ नई दिल्ली से जुड़े हैं, और प्रोफेसर विंग के, प्रोटॉन विंग के एक प्राध्यापक है, राष्ट्रीय प्रभारी है प्रोटॉन के, जो आरएमबीकेएस की एक विंग है। आरएमबीकेएस के बारे में बता दूं कि राष्ट्रीय मूल निवासी बहुजन कर्मचारी संघ, ये जो ट्रेड यूनियन है उसी के अंतर्गत प्रोटॉन नाम का एक ऑर्गेनाइजेशन है, जिसके राष्ट्रीय प्रभारी प्रोफेसर गोरखनाथ वेताल जी हमारे साथ पुणे महाराष्ट्र से जुड़े हैं। तो इन लोगों से, इन तमाम मुद्दों पर हम लोग बात करेंगे। मैं सबसे पहले राकेश गायकवाड़ जी, इनसे जानना चाहूंगा, यूजीसी ने ये ग्रेजुएशन की एग्जाम लेने का निर्णय किया है और आप लोग उसका विरोध कर रहे हैं, क्यों विरोध हो रहा है ये बताइए। धन्यवाद संकेत जी। यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के द्वारा 6 जुलाई को हाल ही में एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है और उस नोटिफिकेशन में कहा गया है कि सितंबर के एंडिंग तक जो ग्रेजुएशन के जो अंतिम वर्ष के छात्र हैं उनकी एग्जाम्स ली जाए और ये एग्जाम लेने के लिए उन्होंने कुछ मुद्दे बताए हैं। उस नोटिफिकेशन में कुछ उन्होंने बोल्ड पॉइंट्स बताए हैं। सबसे पहले तो इस लॉकडाउन में ये एग्जाम लेने का जो निर्णय यूजीसी के द्वारा लिया गया है, भारतीय विद्यार्थी मोर्चा का राष्ट्रीय संयोजक होने के नाते मैं यूजीसी के इस निर्णय का, इस नोटिफिकेशन का मैं जाहिर निषेध व्यक्त करता हूं। क्योंकि जैसे आपने कहा कि पिछले 3-4 महीनों से लॉकडाउन घोषित हुआ है और इस लॉकडाउन में केंद्र सरकार द्वारा, राज्य सरकार द्वारा, यूजीसी द्वारा एग्जाम को लेकर जो उनका रवैया रहा है, इसकी वजह से छात्र काफी ज्यादा चिंता में पड़ गए हैं और इन्होंने केवल कंफ्यूजन पैदा करने का काम किया है। कभी कहते हैं एग्जाम होगी, कभी कहते हैं नहीं होगी, इसके वजह से बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हमारे छात्रों में पैदा हो गया है। और सबसे पहले तो अप्रैल में नोटिफिकेशन दिया था कि 1 से 15 जुलाई को फाइनल एग्जाम होगी
और सिर्फ फाइनल ईयर स्टूडेंट्स की एग्जाम होगी और उसके बाद में उनको प्रॉपर डिग्री और ग्रेड दिए जाएंगे। लेकिन उसके बाद अचानक से 6 जुलाई को उन्होंने ये नोटिफिकेशन जारी किया और अभी कह रहे हैं कि सितंबर एंडिंग में एग्जाम लेने होंगे। इसके वजह से छात्रों में काफी ज्यादा नाराजगी है और काफी राज्यों से इसका विरोध हो रहा है, निषेध व्यक्त हो रहा है, स्टूडेंट्स में काफी ये चर्चा हो रही है और इनफैक्ट ट्विटर पे भी इसका विरोध दिखाई दिया। स्टूडेंट लाइव्स मैटर, ये एक ट्रेंड चला गया विद्यार्थियों के द्वारा। तो सबसे पहले तो ये निषेध क्यों व्यक्त किया जा रहा है या भारतीय विद्यार्थी मोर्चा इस यूजीसी के नोटिफिकेशन का विरोध क्यों कर रहा है, ये जानने के लिए सबसे पहले तो हम यूजीसी ने जो नोटिफिकेशन दिया है उसके बारे में हम बात करेंगे। उन्होंने 3 तरीके से एग्जाम लेने को कहा है। सबसे पहला तरीका है कि ऑफलाइन एजुकेशन लिया जाए, एग्जाम ली जाए, उसके बाद में ऑनलाइन एग्जाम ली जाए, और तीसरा उन्होंने ऑप्शन दिया है कि ब्लेंडेड तरीके से एग्जाम ली जाए। अगर सबसे पहले हम अगर ऑफलाइन एजुकेशन एग्जाम की बात करते हैं तो ऑफलाइन एग्जाम में क्या होगा, सबसे पहले तो सोशल डिस्टेंसिंग का सबसे पहले हमारे सामने सवाल खड़ा होता है कि अभी जैसे आपने बताया कि कोरोना के आंकड़े अभी 10 लाख से ज्यादा हो चुके हैं, पूरे देश भर में 24,000 से 25,000 डेथ हो चुकी है कोरोना की वजह से, और जिस तरीके से लॉकडाउन सरकार द्वारा चलाया जा रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग का ये जो मैटर है, ये मैटर अगर सामने ध्यान में रखा जाए तो एग्जाम लेने के लिए बहुत बड़ी दुविधा पैदा हो सकती है। उसके बाद में ज्यादातर छात्र जो हैं वो लॉकडाउन की वजह से अपने अपने गांव पहुंच गए हैं और यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले छात्र जो हैं वो अलग अलग जिलों से, अलग अलग गांव से आते हैं, अलग अलग राज्यों से पढ़ाई करने आते हैं, तो अभी अभी वो अपने गांव पहुंच गए हैं, तो एग्जाम देने के लिए अगर उनको एग्जाम सेंटर्स में पहुंचना हो तो सबसे पहले ट्रैवलिंग की सबसे बड़ी उनको दिक्कत हो सकती है। और लॉकडाउन जो घोषित हुआ है उसमें केवल अपने ही जिला में आप ट्रैवल कर सकते हो, तो अन्य राज्य से अगर हमें किसी दूसरे राज्य में जाना हो तो ट्रैवलिंग की भी समस्या बहुत विद्यार्थियों को हो सकती है। और एक तो छात्रों में कोरोना का डर भी है, जिस तरीके से कोरोना कोविड-19 की जो मरीज जो बढ़ रहे हैं उसकी वजह से छात्रों में काफी ज्यादा संक्रमण का डर है, तो अगर इसमें अगर एग्जाम लेने की वजह से अगर कोरोना किसी को हो जाता है या किसी को संक्रमित हो जाते हैं तो इसमें अगर किसी छात्र की मौत हो जाए तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, क्या यूजीसी इसकी जिम्मेदारी लेने को तैयार है, यहाँ पे सबसे पहले सवाल खड़ा होता है। दूसरी बात, अगर वो छात्र पॉजिटिव होकर अगर अपने घर चला गया और अगर उसकी फैमिली को भी अगर कोरोना अगर होता है, अगर फैमिली भी संक्रमित होती है, तो इसकी जिम्मेदारी क्या यूजीसी लेगा, और अगर खुद छात्र ही कोविड पॉजिटिव निकला तो क्या उसको एग्जाम में बैठने की मंजूरी यूजीसी द्वारा दी जाएगी, ये बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं। सबसे पहला तो मैं इस सोच में पड़ा हूँ कि जब 500 केसेस थे मार्च में तब उन्होंने एग्जाम को पोस्टपोन किया, और आज जब 10 लाख से भी ज्यादा आंकड़े बढ़ रहे हैं कोरोना के पेशेंट्स के और अब वो एग्जाम लेने की बात कर रहे हैं, तो ये बात कुछ समझ में नहीं आ रही। अगर ऑफलाइन एग्जाम लेनी होगी तो उसमें और एक दिक्कत ये है कि अभी लॉकडाउन की वजह से बहुत सारे छात्रों के माँ बाप की नौकरियां चली गई हैं, और नौकरियां जाने की वजह से एक तो ट्रैवलिंग का खर्चा, एग्जाम फीस, ये सारे जो पैसों की दिक्कत है, ये पैसों की दिक्कत से भी छात्रों को गुजरना पड़ सकता है, तो ये सारी प्रॉब्लम्स है ऑफलाइन एग्जाम्स देने के लिए। अगर आप ये मान के चलते हैं कि अगर यूजीसी कहता है कि ऑनलाइन एग्जाम लेने का एक तरीका है, अगर ऑनलाइन भी एग्जाम ले सकते हैं तो इसमें भी बहुत सारी दिक्कतें छात्रों को झेलनी पड़ सकती हैं। ऑनलाइन एग्जाम लेने के लिए सबसे पहली तो बात यह है कि उनके पास कोई डिवाइस होना चाहिए, डिवाइस या तो वो एक मोबाइल हो सकता है, एंड्रॉयड मोबाइल, या फिर एक कंप्यूटर हो सकता है, और उसके साथ साथ उसको इंटरनेट भी चाहिए, तो इंटरनेट में उसको अच्छा नेटवर्क चाहिए। अब जो लोग गांव खेड़ों में रहते हैं, जो विद्यार्थी जो छात्र गांव खेड़ों में रहते हैं, एक तो सबसे पहले उनके पास एंड्रॉयड मोबाइल फोन नहीं, या उनके घर में कंप्यूटर नहीं, एंड्रॉयड फोन अगर है भी तो भी उनके गांव में नेटवर्क नहीं है। अब मैं मुंबई जैसे शहर में रहता हूँ,
मुंबई शहर में भी अगर यहाँ पे नेटवर्क की दिक्कत झेलनी पड़ती होगी, तो आप सोचिए कि जो लोग जो रूरल एरिया में रहते होंगे उनको कितनी समस्याएं झेलनी पड़ती होगी। तो अगर ये ऑनलाइन एग्जाम लेने का अगर तरीका भी सामने रखा जाए, तो क्या ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा? अगर आप ऑनलाइन एग्जाम लेने चाहेंगे तो वो तो लिख नहीं पाएंगे, ऑनलाइन में तो टाइप करना पड़ेगा। अगर टाइप करना पड़ेगा तो टाइप राइटिंग आनी चाहिए। उसके बाद में अगर टाइप नहीं करना है तो क्या यूजीसी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देगा? क्या एक सवाल के चार जवाब होंगे, उसमें से एक जवाब ढूंढना है, एक जवाब सिलेक्ट करना है, क्या एमसीक्यू टाइप ऐसा होगा? तो ये बहुत सारी बातें हैं, इन इन बातों को, इन रुकावटों को, इन कारणों को ध्यान में रखते हुए ऐसा कहा जा सकता है कि ऑफलाइन और ऑनलाइन एग्जाम इस लॉकडाउन में लेना छात्रों के साथ ये बहुत बड़ी नाइंसाफी हो सकती है। इसीलिए भारतीय विद्यार्थी मोर्चा इस यूजीसी के नोटिफिकेशन का निषेध करता है। लेकिन आपने कहा कि एग्जाम नहीं होनी चाहिए, फिर चाहे वो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, तो क्या सभी छात्रों को प्रमोट कर दिया जाए, पास कर दिया जाए? इसके लिए एक तरीका ऐसा भी है कि जो लास्ट सेमेस्टर में जो अभी थर्ड ईयर स्टूडेंट्स होंगे, जो फाइनल ईयर स्टूडेंट्स होंगे, उनको लास्ट सेमेस्टर में जो उनके मार्क्स मिले होंगे या जो ग्रेड होगा उसके आधार पर उनको फाइनल में ग्रेड दिया जाए, एक तरीका हो सकता है। और दूसरा तरीका हो सकता है कि अगर सरकार चाहे तो लॉकडाउन खत्म होने तक छात्रों को एक अपॉर्चुनिटी दे सकता है कि लॉकडाउन खत्म होने के बाद वो एग्जाम। जी, लेकिन लॉकडाउन कब खत्म होगा कब नहीं, ये सरकार को भी पता नहीं ये है। तो किसी और को पता हाँ, नहीं। ये पता नहीं है। अनलॉक के, हालांकि अनलॉक की प्रक्रिया सरकार ने शुरू कर दी है, लेकिन अनलॉक में ही 1 जून से लेकर अभी तक ये ज्यादा मामले बढ़े हैं। यही सवाल लेकर मैं प्रेम कुमार गेडाम जी से जानना चाहूंगा कि एक तरफ एबीवीपी जो है वो इस यूजीसी के निर्णय का स्वागत करता है, और जहां तक आपके विंग की यानी आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है भारतीय विद्यार्थी मोर्चा, वो उसका विरोध कर रहा है। राकेश गायकवाड़ इन्होंने विस्तार से बताया है, लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगा कि क्या ऐसा करना पॉसिबल है, उसमें क्या दिक्कत है, और अगर एग्जाम नहीं होनी चाहिए तो फिर क्या सभी लोगों को पास किया जाए? प्रेम कुमार जी, जी, पहली बात तो भारतीय विद्यार्थी मोर्चा के द्वारा हम लोगों ने ये निर्णय लिया कि एग्जाम नहीं होनी चाहिए और छात्रों को प्रमोट कर देना चाहिए। अभी इस संदर्भ में मैं कुछ बातें आपके सामने रखना चाहता हूँ। अब एबीवीपी वाले जो है वो यूजीसी का समर्थन कर रहे हैं। यूजीसी जो है मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट जो है मिनिस्ट्री, उसके नियंत्रण में यूजीसी आती है, और ये यूजीसी एटोनॉमस है, स्वायत्त है, उसको निर्णय लेने का अधिकार है। लेकिन जो निर्णय उन्होंने लिया यूजीसी ने एग्जामिनेशन लेने का, तो हमारा इतना ही कहना है कि अगर कोरोना है और दुनिया ने अगर इसको महामारी घोषित की, खास करके यूनो ने, और जिस वजह से भारत में आज लॉकडाउन चल रहा है, जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग को बड़े पैमाने पर ध्यान में लिया जा रहा है, अगर कोरोना को रोकना है तो वो चैन को तोड़ने के लिए लॉकडाउन किया गया है ताकि उसका संक्रमण ज्यादा ना हो। अगर ये तथ्य है तो फिर एग्जामिनेशन लेने का जो निर्णय यूजीसी ने लिया तो वो एक तरीके से वो गलत है, क्योंकि इससे सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं होगा। अगर एग्जाम होगी तो छात्र सेंटर पर आएंगे, एग्जाम सेंटर पर आएंगे, घर से बाहर आएंगे, क्योंकि उसका उदाहरण है जब मार्च महीने में जब लॉकडाउन घोषित किया, तो लॉकडाउन घोषित करने के बाद में लाखों लोग जो है, मजदूर जो है, वो रोड पर आए। तो जनवरी महीने में जब उन्होंने ये महामारी घोषित की तो भारत के सरकार को जनवरी से ही प्रिकॉशन लेना जरूरी था, पहली बात। तो दूसरी बात, उन्होंने फरवरी में डोनाल्ड ट्रंप को भी लाया,
तीसरा मध्य प्रदेश की उन्होंने सरकार में उथल पुथल की। तो ये सारे जो घटनाएं दिख रही है, इन घटनाओं से ये बातें पता चलता है कि उन्होंने बाकायदा कोरोना को फैलने दिया। अगर जनवरी महीने में अगर ये अलर्ट किया गया कि ये महामारी है, तो एयरपोर्ट सीज किए जा सकते थे, एयरपोर्ट पर चेकिंग की जा सकती थी, प्रोटेक्शन की व्यवस्था की जा सकती थी, या हेल्थ फैसिलिटीज, हायर हेल्थ फैसिलिटीज प्रोवाइड की जा सकती थी। लेकिन सरकार ने इस प्रकार का किसी भी प्रकार से कोई व्यवस्था नहीं की और उन्होंने कोरोना को बाकायदा भारत में आने दिया, आमंत्रण देकर उन्होंने बुलाया और फिर अचानक ही उन्होंने लॉकडाउन किया। तो अगर अचानक लॉकडाउन किया, लाखों लोग रोड पर आए, तो इससे सोशल डिस्टेंसिंग का वायलेशन हुआ और कोरोना के पेशेंट ज्यादा से ज्यादा निकले। इस वजह से फिर लॉकडाउन और भारत में बढ़ता गया और भारत में बढ़ता गया। अब ये एग्जामिनेशन को लेकर जो मैटर अभी खड़ा हुआ है छात्रों का, तो निश्चित रूप से एग्जामिनेशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि 10 लाख के ऊपर लोगों की मृत्यु हुई। अब एबीवीपी वाले जो है, वो एबीवीपी वाले यूजीसी का समर्थन क्यों कर रहे हैं? अभी एबीवीपी ये बीजेपी की ऑफशूट विंग है, बीजेपी के दिशा निर्देशन में काम करती है, बीजेपी के डायरेक्शन में काम करती है, और जहां जहां बीजेपी की सरकारें नहीं है, वहां वहां के राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया कि एग्जाम नहीं होगी। लेकिन बीजेपी कह रही है एग्जाम होनी चाहिए, तो इससे ये बात सिद्ध होती है कि बीजेपी को हमारे छात्रों की जिंदगी की बिल्कुल ही परवाह नहीं है। बीजेपी एबीवीपी को काम पर लगाई है, एबीवीपी वाले ने एक मुद्दा उपस्थित किया है। एबीवीपी वाले लोगों का क्या कहना है कि एग्जाम नहीं होगी तो मेरिट कैसे चेक किया जाएगा? मेरिट तो डेवलप किया जाता है, अगर जिंदगी रही, छात्र सही सलामत रहा, तो वो मेरिट डेवलप किया जा सकता है, मेरिट लाया जा सकता है। लेकिन जिंदगी ही नहीं है, छात्र ही नहीं है, तो मेरिट का क्या मतलब है? तो इससे ये मंशा मुझे बीजेपी और एबीवीपी के लोगों की और यूजीसी की भी ये मंशा दिख रही है कि एग्जाम होगी तो बच्चे बाहर आएंगे, बाहर आएंगे तो फिर कोरोना संक्रमण ज्यादा बढ़ेगा। प्रेम कुमार जी, इसमें इसमें सवाल इसमें, जी जी जी, कोरोना संक्रमण ज्यादा बढ़ेगा और जितना ज्यादा बढ़ेगा उतना ज्यादा लॉकडाउन बढ़ाया जाएगा और लॉकडाउन में बीजेपी को षड्यंत्र करने का मौका मिलेगा। जी, लेकिन सवाल अभी भी बरकरार है कि अगर एग्जाम नहीं लेंगे, जैसा आपने कहा कि प्रमोट कर दिया जाए सभी लोगों को, लेकिन ये सभी लोगों को समान तौर पर कैसे ट्रीट किया जा सकता है? किसी को फर्स्ट क्लास में आना है, किसी को डिस्टिंक्शन में आना है, क्योंकि ये जो मार्क्स है ये औरों के लिए महत्वपूर्ण नहीं हो सकते, लेकिन उस पर्टिकुलर वर्क के लिए जिसे जॉब हासिल करनी है या जिसे और अन्य कुछ काम करना है, दूसरे किसी इसमें एडमिशन लेना है, उसके लिए ये मार्क्स जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए उसने साल भर से मेहनत की है, तो उनकी मेहनत पर भी पानी फेर देना जैसा हो जाएगा कि अगर आप सभी को प्रमोट करोगे तो। पहली बात तो मार्च महीने तक हमारे बच्चों की पढ़ाई हो चुकी थी, इस बात को हम लोगों को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। मार्च महीने तक हमारे बच्चों ने पढ़ाई की थी और मार्च के बाद में ही जो है वो एग्जामिनेशन का दौर शुरू होता है। तो ये जो देश के ऊपर जो संकट आया है, ये किसी एक डिपार्टमेंट का या किसी एक व्यक्ति का मामला नहीं है, पूरे देश का मामला है। तो ऐसे परिस्थिति में हम लोगों को इस बात को इस तरीके से नहीं सोचना चाहिए कि कोई बच्चा ज्यादा मार्क्स ले सकता था या वो मेरिट में आता था या जो एलिजिबल व्यक्ति है या एलिजिबल जो छात्र है उसका नुकसान हो सकता था। हम इस बात को ये नहीं सोच रहे, एग्जामिनेशन ये गुणवत्ता टेस्ट करने का मामला है, ये ज्ञान को टेस्ट करने का मामला है, ये बिल्कुल बात सही है। लेकिन ये संकट जो है, ये देश के ऊपर संकट आया है, हमारे जीवन के ऊपर ये संकट आया है, हमारे जिंदगी से जुड़ा हुआ मामला है। तो मुझे ऐसा लगता है ऐसे परिस्थिति में ये निर्णय लेना बहुत ही भयानक हो सकता है एग्जामिनेशन का। तो इसको, इस एग्जामिनेशन को, इसमें एक रास्ता निकाल सकते हैं। एक तो एग्जामिनेशन जब लॉकडाउन ओपन होगा तब एग्जामिनेशन लिया जाए, ये एक तरीका है। या दूसरा एक तरीका जो है, जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन की जो बात चल रही है,
तो ऑनलाइन एग्जामिनेशन जो भारत में होते हैं उसको लेकर नतीजे कुछ अच्छे नहीं है। विदेशों में ऑनलाइन एग्जाम होती है, बटन दबाते ही एग्जाम हो गई, तुरंत आखिरी की जो भी बटन है वो दबाए रिजल्ट आ जाता है, जब के तब रिजल्ट आ जाता है। भारत में ऑनलाइन एग्जाम होती है और 2-3 दिन बाद रिजल्ट आता है, यानी तब तक उस इंस्ट्रूमेंट में या उस टेक्नोलॉजी में छेड़खानी की जा सकती है। तो ये भारत में ऑनलाइन का तरीका सही नहीं। अभी भी विदेशों में एग्जामिनेशन चल रही है, ऑनलाइन एग्जामिनेशन चल रही है, जॉर्जिया में जो यूरोप में है वहां पर कुछ हमारे छात्र विंग के जो छात्र है विदेश में जो पढ़ाई कर रहे हैं, जो हमारे भारतीय विद्यार्थी मोर्चा से जुड़े हुए हैं, कुछ जॉर्जिया में पढ़ रहे हैं, कुछ ऑस्ट्रेलिया में भी पढ़ रहे हैं, तो उन लोगों ने बताया कि वहां पर अभी भी एग्जाम चल रही है, ऑनलाइन एग्जाम चल रही है। तो यही सवाल जो प्रेम कुमार गेडाम जी ने खड़े किए कि सबको प्रमोट कर देना चाहिए, और यूजीसी जो एग्जाम लेने की बात कर रहा है, फिर चाहे वो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, क्या यूनिवर्सिटियां इतना उनके पास इतना इंफ्रास्ट्रक्चर है मैन पावर से लेकर पेपर सेट करने तक की जो तमाम बातें हैं, क्या यूजीसी एग्जाम ले सकता है? दोनों ऑनलाइन एग्जाम ऑफलाइन एग्जाम दोनों तरह के अगर एग्जाम की बात करें तो क्या यूजीसी के पास इतना इंफ्रास्ट्रक्चर है कि वो एग्जाम ले सकता है? और गेडाम जी ने जो सवाल खड़ा किया कि सभी लोगों को प्रमोट कर देना चाहिए, ये कितना सही है? ये दोनों बातें लेकर, ये दोनों सवाल मैं प्रोफेसर वेताल जी से पूछूंगा और उनसे जानना चाहूंगा कि प्रैक्टिकली इसका क्या सॉल्यूशन है। देखिए, अगर लॉकडाउन की जो सिचुएशन है, जो कोरोना का संक्रमण बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, उसको ध्यान में रखा जाए। दूसरी बात है, एग्जाम कंडक्ट करने के लिए जो समय का मामला है उसको अगर देखा जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उस बात को अगर समझा जाए, तो ये एग्जाम लेने का जो निर्णय है वो सारी ग्राउंड पोजीशन को देखते हुए लिया है, ऐसा नहीं माना जा सकता। और इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए ये कहा जा सकता है कि एग्जाम नहीं ली जा सकती है, और ऐसा करना सरासर गलत भी होगा, ये अन्यायकारक भी होगा, और ये विद्यार्थियों के ऊपर मजबूरन थोपने का मामला होगा, इस बात को स्वीकार नहीं किया जा सकता है। इस बात को हमको समझना चाहिए, ये विद्यार्थियों के ऊपर और पेरेंट्स के ऊपर ये थोपा जा सकता है। इन तीन अंगों से अगर हम देखते हैं तो पहली तो ये बात है कि यूजीसी जो है ये एक निर्देश देने वाली संस्था है, एक नियामक संस्था है, इसके पास अपने से इस एग्जाम को कंडक्ट करने के लिए कोई मशीनरी, कोई जो मैन पावर चाहिए वो नहीं है। यूजीसी को अगर इस परीक्षा को, एग्जाम को कंडक्ट करने के निर्देश देने हैं तो जिनके पास ये मशीनरी है, जिनके पास ये मैन पावर है, उनसे सलाह मशवरा करना चाहिए। ये मशीनरी यूनिवर्सिटी के पास है और स्टेट गवर्नमेंट के पास है, वो स्टेट गवर्नमेंट के नियंत्रण में है, तो इसको स्टेट गवर्नमेंट को पहले विश्वास में लेना चाहिए। अभी हम क्या देखते हैं, जैसे कि प्रेम कुमार जी ने कहा कि स्टेट गवर्नमेंट जो है, जो बीजेपी छोड़ के बाकी की जहां पर शासन है, उन्होंने तो पहले ही इस परीक्षा को नहीं लेने का निर्णय पहले ही घोषित कर रखा है। उन्होंने पहले घोषित किया है कि इसको, वो उस ग्राउंड पोजीशन को देखते हुए, कोरोना के संक्रमण को देखते हुए, लोगों की स्थिति को देखते हुए, उन्होंने पहले ही घोषित कर दिया है कि एग्जाम फाइनल, पहले तो फाइनल ईयर की लेने की बात कर रहे थे लेकिन बाद में उन्होंने फाइनल ईयर की भी एग्जाम नहीं होगी, ऐसा घोषित किया और सोच विचार करके उन्होंने किया है। और उतना उन्होंने केवल घोषित नहीं किया, जैसे ही यूजीसी ने इस एग्जाम को लेना चाहिए ऐसा घोषित किया, उन्होंने उसको कोर्ट में चैलेंज भी किया है, कोर्ट में भी स्टेट गवर्नमेंट गए, इतना सारा विरोध है, जिनके पास मशीनरी है वो विरोध कर रहे हैं, तो किसके आधार पर ये एग्जाम लेना संभव है? तो ये फिजिकल, एक तो ये बात है, दूसरी बात, स्टेट गवर्नमेंट के लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? उसका जो कारण है, उनको ग्राउंड पोजिशन मालूम है कि बढ़ते हुए संक्रमण के आधार देखते हुए एग्जाम कंडक्ट करना संभव नहीं है, किसी भी तरीके से करेंगे तो भी नहीं। पहला जो तरीका है
ये है कि ऑफलाइन एग्जाम किया जाए। अभी ऑफलाइन एग्जाम, पहले तो ऑफलाइन एग्जाम करना है तो 4 महीने यूजीसी को क्या करना चाहिए था, 4 महीने पहले जब स्टेट गवर्नमेंट की, जैसे कि निचले स्तर की प्राइमरी हो या सेकेंडरी हो, हायर सेकेंडरी के एग्जाम हो रही थी, एग्जाम की बात हो रही थी, उसी समय ये मसला, उसी समय उसके बाद तुरंत ये यूनिवर्सिटी के एग्जाम भी होने वाले थे, इस मुद्दे को उसी समय जब उठाया गया था, उसकी सारी बहुत चर्चा मीडिया पर हो रही थी, तब उस समय में जब निर्णय बनाना था तो स्टेट गवर्नमेंट जब निर्णय बना रहा था तो उसी समय यूजीसी को हस्तक्षेप करना चाहिए था, उसी समय इस समस्या के संकट को भापना चाहिए था और उसको आधार बनाकर प्लानिंग उन्होंने करना चाहिए था कि अगर लॉकडाउन बढ़ता है, अनलॉक होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट से या स्टेट गवर्नमेंट से संपर्क बना के उसको उन्होंने किस तरीके से लिया जा सकता है, अगर मान लो ऑफलाइन नहीं हो सकता है तो ऑनलाइन की सारी तैयारी जो है उन्होंने करके रखनी चाहिए थी। तो ऐसी कोई तैयारी की है, ऐसा कुछ दिखाई नहीं देता है। ऑफलाइन अगर करना है तो शुरू से करना पड़ेगा, पेपर पेपर सेटिंग का मामला है, बाद में उसको एग्जाम कंडक्ट करने के लिए, पहले तो अगर आपको एग्जाम ऑफलाइन लेना है, ऑफलाइन अगर आपको लेना है तो आपका पहला काम करना पड़ेगा कि अनलॉक को पूरा के पूरा खोल देना पड़ेगा, क्योंकि वो जो स्टूडेंट है वो एग्जाम सेंटर पर पहुंचे, अभी वो अपने गांव में होंगे, किसी अगले दूसरे राज्य में हो सकते हैं, वहां से कैसे आएंगे वो, और उनको रोज जाना, एक दिन थोड़ा ही जाना है, उनको अगर हर समय जाना है तो उसके लिए उनको अनलॉक को पूरा खोल देना पड़ेगा। अनलॉक को पूरा के पूरा खोलने के बाद ही वो फिजिकली कंडक्ट कर वो सेंटर पर आ सकते, फिर सेंटर पर आने के बाद एग्जाम के समय, अभी वो सितंबर में कह रहे तो सितंबर तक ये कोरोना महामारी का क्या सिचुएशन होगा, कैसी स्थिति होगी, ऐसा तो अभी आज की स्थिति में नहीं बताया जा सकता। अगर आज की स्थिति में देखा जाए तो ये गति बढ़ने की गति को देखा जाए तो सितंबर से तो इससे ज्यादा भयानक स्थिति हो सकती है। ऐसी स्थिति में ऑफलाइन करने की बात करना तो बहुत ही गलत बात है, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि उससे और क्या है, एग्जाम लेना अलग बात है, क्लास में पढ़ाना अलग बात है, पढ़ाने के लिए अगर होता है तो वो अलग बात है, लेकिन एग्जाम लेने के लिए सारे मुद्दों को ध्यान में रखते हुए वहां की एग्जाम की जो ट्रांसपेरेंसी है उसको भी ध्यान में रखना पड़ता है ना, तो ऐसी स्थिति में एग्जाम कंडक्ट करना, एग्जाम कंडक्ट करने के लिए ज्यादा मशीनरी लगती है, वहां पर जो सुपरवाइजर होंगे उसको नियंत्रण करने वाले लोग होंगे, ये बातें हैं। दूसरी बात यह है कि अगर फिजिकली कंडक्ट करना है तो वो मशीनरी को वहां पर लाना होगा, 10% मशीनरी है अभी सारी आस्थापनाओं के पास, एडमिनिस्ट्रेशन के पास, उसके आधार पर ये संभव नहीं है। दूसरी बात है फिजिकल एग्जाम लेने से एक बात है कि अगर फिजिकली इस तरीके से लागू करना है तो उसका केवल एग्जाम लेने से नहीं होता है, उसके लिए ऑफलाइन लेने के लिए उसकी दूसरी बात है कि एग्जाम लेने के बाद वो बाकी का भी काम है, उसका इवैल्यूएशन करना पड़ता है, कैप लगाना पड़ता है, सेंट्रल वहां पर उसका असेसमेंट होता है, वहां पर प्रोफेसर लोगों को बुलाना पड़ता है, वो सारा काम करने के लिए टाइम टेबल बनाना पड़ेगा, एग्जाम का भी टाइम टेबल बनाना पड़ेगा, टाइम टेबल एक ब्रांच का बनाते हैं तो ऐसी कई सारी ब्रांचेस है, वो कई सारी ब्रांचेस, एक ब्रांच को कम से कम 8-6-7 सब्जेक्ट होंगे, ज्यादा भी सब्जेक्ट हो सकते हैं, तो 10 दिन का समय जा सकता है, ज्यादा ब्रांचेस है तो 2 महीने तक एग्जाम ही चलती है, अभी 2 महीने फिजिकल एग्जाम चलेगी, ऑफलाइन एग्जाम चलेगी तो उसके बाद कैप कब होगा, रिजल्ट फीड कब होगा, और रिजल्ट आते आते ये 4-5 महीने का समय, जैसे अप्रैल से जुलाई तक का समय जाता है उतना ही समय सितंबर के बाद जाएगा, तो सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी में इसका रिजल्ट आएगा अगर ऑफलाइन लेते हैं तो फिर वो अगले साल की जो है वो एडमिशन कब लेंगे, एक बात। दूसरी बात ये है कि अभी एग्जाम लेना है तो आपका करंट ईयर का पढ़ाना भी शुरू है ना, तो मशीनरी को आप एग्जाम लेने के लिए एंगेज करोगे या पढ़ाने के लिए एंगेज करोगे, तो वो जब एग्जाम के समय होता है तो उस समय पढ़ाने का काम जो है वो रुका दिया जाता है ना, उसको नहीं होता है, तो वही मशीनरी इधर लगाई जाती है, तो दोनों काम एक साथ
नहीं हो सकते, इस बात को भी ध्यान में रखना चाहिए। तब तक के पढ़ाई का काम तो बंद करना कर देना होगा फिर 2-4 महीने के लिए। तो फिर ये जो ऑफलाइन है ये संभव नहीं। मान लो ऑनलाइन करते हैं, ऑनलाइन आप दूसरा ये ऑप्शन जो है ऑनलाइन करने का, ऑनलाइन करने के लिए भारत की कोई भी यूनिवर्सिटी जो है, एक दो हो सकती है जिनकी जो स्टूडेंट्स की जो एनरोलमेंट है वो कम हो, लेकिन ऐसा सेटअप जो है ऑनलाइन एग्जाम लेने का जो सेटअप है किसी भी यूनिवर्सिटी के पास सेटअप ही नहीं है। उसको पूरा के पूरा खड़ा करना होगा, उसका पोर्टल तैयार करना होगा, हर ब्रांच के एग्जाम के इवैल्यूएशन का सिस्टम बनाना होगा। और दूसरी बात है विद्यार्थियों को इस ऑनलाइन एग्जाम के लिए, क्योंकि जो ऑफलाइन एग्जाम होती है वो डिस्क्रिप्टिव बेस होती है। अगर आपको ऑनलाइन एग्जाम लेना है, ऑफलाइन एग्जाम डिस्क्रिप्टिव बेस होती है, ऑफलाइन एग्जाम आप डिस्क्रिप्टिव बेस जैसे कि राकेश जी ने कहा, तो वो डिस्क्रिप्टिव बेस नहीं ली जा सकती, उसके लिए आपको एमसीक्यू बेस जो है वो लागू करना पड़ेगा। अगर आपको एमसीक्यू बेस करना है तो विद्यार्थियों को इसकी मानसिकता को तैयार करना, क्योंकि जो एमसीक्यू बेस है उसकी जो कठिनाई है वो इससे ज्यादा होती है। वो एमसीक्यू बेस जो है एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ज्यादा तौर पर इसको अमल में लाया जाता है, तो उसको आप रेगुलर बेस में लागू करेंगे तो जिन लोगों की साधारण या क्षमता होती है उनको अगर आप इस तरीके से एग्जाम देने के लिए कहोगे तो उनका मनोबल गिर सकता है, उनके मनोबल की भी ये है तो उनका मनोबल गिर सकता है इसी सिचुएशन में। और उनकी मानसिकता अभी 4 महीने में विद्यार्थियों को इस बात को समझाया गया है, उनके पास ये मैसेज दिया गया है कि आपकी एग्जाम होने की संभावना बहुत कम है, तो विद्यार्थियों की जो एग्जाम के लिए मानसिकता है वो नहीं है। मानसिकता बनाने के लिए उनकी तैयारी होनी चाहिए, तैयारी के लिए भी उनको समय देना होगा। दूसरी बात है एमसीक्यू बेस अगर आपको तैयारी करनी है तो उसके लिए उनको वो ट्रेनिंग देना होगा, ये एक बात है। तो ये करने के लिए भी समय चाहिए, ऑनलाइन बेस के लिए अभी तो उतना समय है नहीं है, उसके लिए भी समय चला जाएगा, एक तो ये बात है। दूसरी बात ये भी है कि इस एमसीक्यू बेस में अगर आप एग्जाम कंडक्ट करते हो तो एमसीक्यू बेस पे जब उसकी कठिनाई का भी समस्या है, उसका विद्यार्थियों को ट्रेनिंग देने की भी जरूरत है, इसकी ट्रेनिंग भी उनको देनी पड़ेगी, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी होते हैं, कई सारे विद्यार्थी ऐसे होते हैं ऐसे कोर्सेस में होते हैं जिनका कंप्यूटर के साथ कोई संबंध होता नहीं, ऐसे भी कोर्सेस हैं जिनका इसके साथ संबंध नहीं है। तो ये बात है, कई सारी विद्यार्थियों के पास इस ऑनलाइन एग्जाम को देने के लिए, अभी आप एग्जाम लोगे तो एग्जाम लेने के लिए राकेश जी ने जैसे कहा कि आपको ऑनलाइन एग्जाम लेने के लिए भी दो तरीके होंगे, आपको एक तो सेंटर बनाकर जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम को कंडक्ट किया जाता है उस तरीके से करना होगा, लॉकडाउन की सिचुएशन में वो संभव नहीं है, ना ही सेंटर आपके डेवलप है, तो आपके पास दूसरा रास्ता बनता है कि आप घर से ही एग्जाम को लेने के लिए परमिशन दे। अगर घर के पे ही आप एग्जाम लेने की परमिशन दे देते हैं तो उससे भी दो समस्याएं खड़ी होती, क्या उनके पास मोबाइल है, नेटवर्क है, मोबाइल हायर करने के लिए उनके पास उतना साधन है, पैसे है, ऐसा नहीं है। अभी तो हमने पाया है कि देखो एक 10वीं की ऑनलाइन की एग्जाम ऑनलाइन के बारे में पढ़ाने के बारे में कुछ विद्यार्थियों ने मांग की, कहा गया था कि उनको ऑनलाइन पढ़ाया जाए, तो उसी समय उनको स्मार्टफोन की जरूरत है, तो ऐसे समय में उन्होंने अपने पेरेंट से ये मांग की कि हमको मोबाइल चाहिए, पेरेंट नहीं दे पाया तो विद्यार्थी ने सुसाइड कर दिया। अभी किसी की एग्जाम होती है जिसके पास पैसा है वो एग्जाम देने के लिए जाएगा, अपने घर पर एग्जाम देगा, जिसके पास पैसा नहीं है, स्मार्टफोन नहीं है, टेक्नोलॉजी नहीं है, वो अगर सही तरीके से उसको लागू नहीं कर जाता है और वो अगर अपसेट हो जाता है, वो अगर निराश हो जाता है, तो वो हो सकता है कि वो सुसाइड करे, डिप्रेशन में चला जाएगा, ये भी एक खतरा है। हमको हमारे विद्यार्थियों का, हमारे देश की संपत्ति का, राष्ट्र की संपत्ति का मनोबल बढ़ाना चाहिए, ना कि मनोबल गिराना चाहिए। लेकिन सवाल विताल जी, सवाल ये भी है जैसे गिडाम सर ने कहा कि सभी को प्रमोट कर देना चाहिए, ऑनलाइन एग्जाम नहीं हो सकती, ऑफलाइन एग्जाम नहीं हो सकती,
क्या सभी को प्रमोट कर देना यही एक रास्ता है, ये कितना सही? हाँ नहीं, ये बात आपकी सही है कि ये गुणवत्ता का मामला है। तो देखो एग्जाम किस लिए कंडक्ट की जाती है, एग्जाम कंडक्ट करने का उद्देश्य जो होता है वो होता है कि विश्वविद्यार्थी ने अपने कोर्स के दरमियान जो शिक्षा उसको दी गई है उसको उसने अध्ययन किया है, हासिल किया है, इसका टेस्ट करना एक उद्देश्य होता है, ज्ञान को टेस्ट करने का मामला है। दूसरी बात है ये एग्जाम का सर्टिफिकेट क्यों दिया जाता है, तो उसको क्वालिफाई तरीके पर घोषित किया जाता है कि ये विद्यार्थी ये जो ज्ञान है उसको हासिल किया है उसके लिए वो क्वालिफाई है। तो ये क्वालिफाइंग है, डिग्री जो दी जाती है ये एक क्वालिफिकेशन है, क्वालिफिकेशन के लिए दी जाती है। तो वो क्वालिफाई होता है विद्यार्थी को क्वालिफाई करने के लिए और भी कई पर्याय जो है उसको अमल में लाया जा सकता है, जैसे कि उसने 2 साल 30 साल की अगर डिग्री है तो 2 साल में उसका जो परफॉर्मेंस है क्या रहा, उसके आधार पर एवरेज के आधार पर अगर वो उसी तरीके से प्रयास करता है तो जाहिर है कि अंतिम साल में भी उसको उसी तरीके से अंक आएंगे, तो एवरेज के आधार पर भी उसको दिया जा सकता है, उसको क्वालिफाई घोषित किया जा सकता है। इससे और दो सवाल खड़े होते कि जो पहले 2 वर्ष का तो इवैल्यूएशन हमारे पास है उसका, या इस साल का भी उन प्रोफेसरों के पास उसने साल में क्या परफॉर्मेंस किया है, कितना उसने हासिल करने के लिए प्रयास किया है, इसके आधार पर भी अनुमान किया जा सकता है। वो निचले स्तर पर तो केवल उसके निरीक्षण के आधार पर ही उसको इवैल्यूएशन किया जाता है, उसका मूल्यांकन किया जाता है, तो वो प्रोफेसर के टच में रहता है, वो प्रोफेसर के साथ में रहता है, उसने साल में कितने ट्यूटोरियल किए हैं, कितने प्रैक्टिकल किए हैं, उसने कितने लेक्चर अटेंड किए हैं, ये सारी बातें अगर उसने सही तरीके से की है तो कहा जा सकता है कि उस विद्यार्थी का परफॉर्मेंस अच्छा ही है, इसके आधार पर भी उसका मूल्यांकन किया जा सकता है। मानो इसमें भारत में दूसरी एक भेदभाव की भी समस्या है ऐसे साथ में हो सकता है, तो इसको लागू करने के लिए अंतिम नहीं माना जा सकता, लेकिन जो एक्चुअल बात है वो उसके पिछले साल के 2 साल के होंगे या 3 साल के होंगे या ज्यादा साल के भी, 1 साल का होता है, उसके परफॉर्मेंस के आधार पर उसको एवरेज के आधार पर उसको डिग्री को अवार्ड कर देना चाहिए। एक बात, जिस विद्यार्थियों का अगर पिछले साल का कोई बैकलॉग है तो उसको भी प्रोविजनल, क्योंकि इस साल में उसको भी ये अपॉर्चुनिटी थी कि वो उस एग्जाम को दे दे और अपने बैकलॉग को वो क्लियर कर सकता था और अपनी डिग्री को भी हासिल कर सकता था, तो उसी विद्यार्थी को भी प्रोविजनल डिग्री को अवार्ड, जिसका बैकलॉग है उसको प्रोविजनल डिग्री अवार्ड करो, और जो ज्यादा अंक लाने की अपेक्षा से एग्जाम को फेस करने वाले थे, जो विद्यार्थी अपना क्लास को बढ़ाना चाहते थे, इस दिशा से जिन विद्यार्थियों ने अभ्यास किया होगा उस विद्यार्थियों के लिए भी क्लास इंप्रूवमेंट की व्यवस्था की जा सकती है, वो सिलेक्टिव स्टूडेंट होंगे उनके लिए। अगर ये क्वालिफाइंग एग्जाम है तो इसका उद्देश्य क्या है, आपको एक तो अगले हायर एजुकेशन के लिए एग्जाम में आपको हायर एडमिशन के लिए आपको उसका क्वालिफाई माना जाए, या सर्विस को सेवा अगर आपको चाहिए, किसी को कोई सेवा ज्वाइन करनी है तो आपको वहां पर एडमिशन लेना है, ये दो वहां पर आपको ज्वाइन करना है, सर्विस को ज्वाइन करना है, तो गवर्नमेंट एक सर्कुलर निकाल सकती है, नोटिफिकेशन भी निकाल सकती है कि ऐसे जो विद्यार्थी है जो साधारण एवरेज के है उनको एवरेज के आधार पर ही माना जाए। और दूसरी बात है, आपने क्वालिफाई किया, इस केवल क्वालिफिकेशन के आधार पर आपको लाभ नहीं दिया जाता है, ना एडमिशन का लाभ दिया जाता है ना सर्विस का लाभ दिया जाता है, आपको जब लाभ लेना है, फायदा लेना है, तो आपको या तो इंटरव्यू देना पड़ता है, इंटरव्यू के समय या वहां पर आपकी एक टेस्ट भी होती है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी होती है, अगर आपने सही तरीके से हासिल किया है तो आप उस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी क्वालिफाई हो सकते हैं, उसके आधार पर आपको जॉब मिलेगी, या तो इंटरव्यू के आधार पर भी आपको जॉब दी जा सकती है, तो आपके इस क्वालिफिकेशन को वहां पर भी टेस्ट किया जाता है। दूसरी बात है, जहां पर हायर एजुकेशन में एडमिशन होता है
तो वहां पर भी उसको टेस्ट किया जाता है, एंट्रेंस एग्जाम लिया जाता है, उसके आधार पर आपका एडमिशन होता है। तो आपको क्वालिफाई है या नहीं उस समय भी टेस्ट किया जाता है। तो इसके ऊपर केवल आपका कोई रहता नहीं है, इसलिए जो एवरेज के है उनको डिग्री दी जाए, अवार्ड की जाए, जो बैकलॉग वाले हैं उनको प्रोविजनल दी जाए, उनको समय दिया जाए कि आपको इस समय के अंदर आपका बैकलॉग जो है क्लियर करना है, बाद में आप लॉकडाउन खुलते ही उसको क्लियर कर सकते हो, और वो उनकी संख्या जो है वो कम भी रह सकती है। और जिनको अपने क्लास को इम्प्रूवमेंट किए, कई विद्यार्थी ऐसे होते हैं कि उनको किसी हायर एजुकेशन के लिए या किसी सर्विस के लिए भी उनको हायर जो क्लास है वो होना मांगता है, डिस्टिंक्शन लगता है, फर्स्ट क्लास लगता है, तो उनको अपना क्लास इम्प्रूव करने की एग्जाम की प्रोविजन की जाए, 2 महीने में 4 महीने में बाद में उनका एग्जाम लिया जाए, और इसी आधार पर उनको उस एग्जाम के लिए कैपेबल भी माना जाए, इलिजिबल भी माना जाए। ऐसा अगर होता है तो एग्जाम लेने की कोई जरूरत है नहीं ना, आप इसी आधार पर उसको क्वालिफाई कर सकते हैं, और संकट में किसी को डालने की कोई जरूरत नहीं होगी, ये मसला हल हो सकता है। ये ऐसा निर्णय लेने की, इसके आधार पर किसी के ऊपर अन्याय भी होने की, जो गुणवत्ता का मामला है तो किसी को ज्यादा एडवांटेज भी नहीं दिया जा रहा है ना, किसी को एडवांटेज नहीं दिया जा रहा है। इसके आधार पर क्वालिफाई करने के लिए आपको ये करना पड़ेगा, इस आधार पर जिसको लगता है कि मुझे क्वालिफाई और ज्यादा अंक लाना है उसको इसकी सहूलत जो है वो दी जाए 2-4 महीने के बाद, और वो उन विद्यार्थियों की संख्या कम होगी जिसको अपने अपेक्षा के साथ, यानी उनकी हाँ, अलग से एग्जाम हो सकती है जो कम संख्या में है, जिनको डिस्टिंक्शन हाँ, लाना है, फर्स्ट क्लास में आना है, उन विद्यार्थियों की संख्या कम हो सकती है, तो उनकी फिजिकल एग्जाम हो सकती है अगर ऐसा किया जाए, और ये तुरंत करने की भी जरूरत नहीं है ना, क्योंकि उसके लिए समय भी चला जाने वाला है। हाँ, बात भी किया जी, इस तरीके से जहां तक ऑनलाइन एजुकेशन की बात है, ऑनलाइन एग्जाम अगर कंडक्ट नहीं हो रही है या आप लोग उसको सही नहीं मान रहे हैं, तो ऑनलाइन एजुकेशन का जो चलन है, मैं राकेश गायकवाड़ जी से जानना चाहूंगा कि ऑनलाइन एजुकेशन सभी इंफ्रास्ट्रक्चर और सभी बातों को देखते हुए कितना सही है, कितना कारगर है। राकेश जी, शायद राकेश जी को हमारी आवाज, हाँ जी राकेश जी आवाज, ऑनलाइन एजुकेशन की जो बात है शुरुआती दौर में, जी बोलिए जी, क्या आवाज सुनाई दे रही है सर? हेलो, हाँ सुना जी, राकेश जी बोलिए। संकेत जी आपका नेटवर्क शायद प्रॉब्लमेटिक लग रहा है, हेलो, नेटवर्क की समस्या है। मैं प्रेम कुमार गेडाम जी से यही सवाल पूछना चाहूंगा क्योंकि वे एक ही ऑर्गेनाइजेशन के हैं, तो प्रेम कुमार गेडाम जी इसका जवाब दे सकते हैं कि ऑनलाइन एजुकेशन की जब बात है तब क्या ये सही है या इसमें स्कूल कॉलेज खोल देने चाहिए? ऑनलाइन एजुकेशन को लेकर मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि ये एक पर्याय हो सकता है, लेकिन ऑनलाइन ये एक माध्यम हो सकता है ऑनलाइन एजुकेशन, लेकिन ये कोई ये नहीं है, पर्याय नहीं है कि ऑनलाइन एजुकेशन से ही बच्चों का सिलेबस पूरा किया जाए या उनकी पढ़ाई पूरी की जाए। तो ऑनलाइन एजुकेशन ये सिस्टम सही नहीं है, क्योंकि बहुत सारे छात्रों के पास में जो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हम लोग कर रहे हैं वो इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत सारे छात्रों के पास नहीं है, और जैसे जब से ये डिजिटल टेक्नोलॉजी आई तो इस डिजिटल टेक्नोलॉजी का जिस प्रकार से स्कूल कॉलेजेस के द्वारा ये गाइडलाइन, ये मार्गदर्शन, ये पढ़ाई जैसे शुरू होनी चाहिए थी, तो उस प्रकार से कोई कार्यक्रम भी इस देश में सरकार द्वारा किया नहीं गया। इस वजह से अगर किसी के पास डिवाइस है तो नेटवर्क की प्रॉब्लम होगी, डिवाइस है नेटवर्क भी है तो जानकारी का अभाव होगा, इंफॉर्मेशन का अभाव होगा, तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। तो इसीलिए ये ऑनलाइन एजुकेशन जो है ये सही तरीका नहीं है। अगर बच्चों में मेरिट डेवलप करना है, उसमें उसको डेवलप करना है, उसका ग्रास्पिंग पावर बढ़ाना है या उसको ज्ञानी बनाना है, तो स्कूल और कॉलेजेस जो है
वो खोलने ही पड़ेंगे किसी भी परिस्थिति में, लेकिन फिलहाल जो कोरोना वायरस का जो कहर चल रहा है और जो लॉकडाउन चल रहा है, तो इसमें हम लोग रिस्क नहीं ले सकते। अगर इस लॉकडाउन में अगर सरकार स्कूल और कॉलेज अगर खोलना चाहती है, तो फिर उस प्रकार से सरकार को प्रिकॉशन लेने होंगे। प्रिकॉशन में सबसे इम्पोर्टेंट प्रिकॉशन ये है कि हायर हेल्थ फैसिलिटीज जो है वो स्कूल कॉलेजेस में प्रोवाइड करनी होगी। दूसरा, बच्चों का हेल्थ इंश्योरेंस जो है वो निकालना होगा। और मान लीजिए अगर कोई बच्चा पॉजिटिव निकलता है तो उस प्रकार को उसको उतना प्रोटेक्शन देना होगा, सिक्योरिटी देनी होगी, या उसके परिवार की और उस बच्चे की भी जिम्मेदारी जो है सरकार को लेनी होगी। लेकिन इन सारी बातों से एक इम्पॉर्टेंट बात ये नज़र आ रही है, क्या अगर स्कूल कॉलेजेस हम लोग शुरू करते हैं तो क्या माँ बाप अपने बच्चों को स्कूल में भेजेंगे? ये भी एक सवाल है, क्योंकि कोरोना का इतना डर फैला हुआ है। तो स्कूल कॉलेजेस खोलना ये एक विकल्प है, क्योंकि फिजिकली जब तक हम लोग स्कूल कॉलेजेस खोलेंगे नहीं, तो ऑनलाइन जो है ये कोई सही तरीका नहीं है। लेकिन इन सारे बिंदु को हमें ध्यान में रखना है कि अभी कोरोना है, लॉकडाउन है, हम विरोध कर रहे हैं एग्जामिनेशन का। क्यों विरोध कर रहे हैं? हमारा क्या ऑब्जेक्टिव है? हम छात्रों की जिंदगी चाहते हैं। मेरिट तो हम डेवलप कर लेंगे, मेरिट डेवलप करने के लिए ये कोई अलग से ये चलाने का कोई कार्यक्रम नहीं। मेरिट निर्माण किया जा सकता है, लेकिन वो छात्र जिंदा रहे तब ना। हम एग्जाम क्यों नहीं चाह रहे? हम छात्रों की जिंदगी चाह रहे, उनकी लाइफ को सिक्योर चाह रहे हैं। लेकिन जो वर्तमान में जो सरकार है, उस सरकार का चरित्र ठीक नहीं है। यानी इस साइंटिफिकली युग में उन्होंने ऐसे ऐसे कारनामे किए कोरोना को भगाने के लिए, आपको क्या बताए, तालियां बजाने के लिए लगाई, मेनबत्तियां जलाने के लिए लगाई, प्लेटा बजाने के लिए लगाई। सिर्फ अभी बीजेपी के लोगों को मेरा इतना ही कहना है, अभी घंटा बजाने के लिए लगा, सिर्फ घंटा बजाना बाकी है अभी। इतना यानी इतना बेवकूफ समझ रहे हैं वो, खास करके हम लोगों को, SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों को, कि जो मन में आए वो करने का वो लोग प्रयास कर रहे हैं। हमारे छात्रों का किसी भी प्रकार से लाइफ का वो लोग बिल्कुल ही विचार नहीं कर रहे हैं। वो विचार कर रहे हैं अपनी राजनीतिक दृष्टिकोण से कि एग्जाम अगर होगी तो बच्चे स्कूल, बच्चे सेंटर पर जाएंगे तो फिर कोरोना का ज्यादा संक्रमण होगा, तो लॉकडाउन बढ़ेगा और लॉकडाउन में षड्यंत्र करने का मौका मिलेगा। उन्होंने किया है ना षड्यंत्र, जैसे उन्होंने कामगारों के विरोध में बिल पारित किया, उन्होंने प्राइवेटाइजेशन तेजी से बढ़ा दिया, उन्होंने अयोध्या में जो प्राचीन काल में जिसका नाम साकेत था उसका खोदकाम उन्होंने शुरू कर दिया। यानी जनता को कोरोना का डर बता रहे हैं और लॉकडाउन में ये लोग उटपटान काम कर रहे हैं। तो इससे ये सिद्ध होता है कि अगर लॉकडाउन है और कोरोना अगर सही में है, तो हमें हमारे छात्रों की लाइफ सिक्योर चाहिए। और उसी पक्ष में भारतीय विद्यार्थी मोर्चा खड़ा है। एग्जाम नहीं होनी चाहिए क्योंकि लॉकडाउन है, कोरोना है। ऑलरेडी हमारे बच्चों ने मार्च महीने तक पढ़ाई की है, ऑलरेडी पढ़ाई की है, अभी एग्जाम देने वाले थे और हमारे बच्चे पास होने वाले थे। इस एग्जाम के सवाल पर हमने काफी चर्चा कर ली है। मैं राकेश जी से जानना चाहूंगा, हालांकि उन्हीं के लिए उन्हीं से मैं सवाल पूछा था, लेकिन नेटवर्क सही नहीं होने की वजह से वो जवाब नहीं दे पाए। ऑनलाइन एजुकेशन की जहां तक बात है, एग्जाम नहीं होनी चाहिए, इस पर ऐसे सभी ने अपने अपने तर्क रखे है। एजुकेशन की जो बात है वो कितनी सही है? ऑनलाइन एजुकेशन का जो अभी चलन चल रहा, या इसका पर्याय विकल्प स्कूल और कॉलेज खोल देने चाहिए? सबसे पहले तो आप सभी को ये बात पता होगी, अगर आप स्कूल कॉलेजेस खोलने की बात कर रहे हैं, तो आज के समय में जितने भी 10 लाख कोरोना के जो COVID-19 के पॉजिटिव पेशेंट्स जो पाए गए, इन सभी को क्वारंटाइन सेंटर में जहां रखा गया है वह स्कूल और कॉलेजेस ही हैं। अभी के समय में अगर स्कूल और कॉलेजेस अगर क्वारंटाइन सेंटर है, और अगर आप ये सोच रहे हैं कि स्कूल कॉलेजेस खोल दिए जाएं,
तो सरकार के सामने इंफ्रास्ट्रक्चर की सबसे बड़ी समस्या पैदा हो सकती है कि क्वारंटाइन पेशेंट को कहाँ रखें, क्योंकि हमारे सामने हम देख रहे हैं ना कि सभी कॉलेजेस जो है वो क्वारंटाइन सेंटर बन चुके हैं आज के समय। तो क्या ऑनलाइन ऑनलाइन एजुकेशन ही सही है जैसे चल रहा है? अभी जैसे माननीय प्रेम कुमार गेडम जी ने बात रखी कि ऑनलाइन एजुकेशन ये केवल एक माध्यम हो सकता है, लेकिन ये कोई पर्याय नहीं है। क्योंकि ऑनलाइन एजुकेशन, अगर ऑनलाइन एजुकेशन की बात करें तो सबसे पहले अगर एक डिवाइस के सामने अगर कोई छात्र बैठा है, अगर कंप्यूटर के सामने अगर कोई छात्र बैठा है, तो पढ़ाने वाला तो पढ़ा रहा है, लेकिन क्या उस छात्र को समझ में आ रहा है जो सामने वाला जो प्रोफेसर पढ़ा रहा है ऑनलाइन, क्या उस छात्र को समझ में आ रहा है? जो पर्सनल अटेंशन जो क्लासरूम के अंदर मिलता है वो पर्सनल अटेंशन ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम में नहीं। अगर उस छात्र को कुछ डाउट है, कुछ सवाल है, तो एट द टाइम अगर मान लो कि 100 लोग ऑनलाइन एजुकेशन का ये क्लास अटेंड कर रहे हैं, तो 100 लोगों में से किसको सवाल है किसको नहीं है, पर्सनल अटेंशन देना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो जिस तरीके से मुझे लगता है कि ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम जो है ये केवल एक माध्यम हो सकता है, और जो स्कॉलर छात्र हैं जिनको ऑलरेडी सब कुछ पता है, उनको थोड़ा सा एक एनहांसमेंट की जरूरत है, उनके लिए ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम सही हो सकता है। लेकिन जो सप्लीमेंट्री है, सप्लीमेंट्री है, यस यस, ये सप्लीमेंट्री हो सकता है, लेकिन जिनका ग्रास्पिंग पावर कम है, जिनको पर्सनल अटेंशन की जरूरत पड़ती है, उन छात्रों के लिए ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम सही नहीं होगा। और इंडिया की बात करें तो इंडिया में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे कि मोबाइल की बात करें, एंड्रॉइड मोबाइल फोन हो या कंप्यूटर हो या फिर इंटरनेट की सुविधा हो, या फिर माँ बाप को एप्लीकेशन चलाने की जानकारी हो, ये सारी बातें जो है ये ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम के लिए काफी हानिकारक साबित हो सकती है, ऐसा मुझे लगता है। जी, ऑनलाइन एजुकेशन और स्कूल कॉलेज यानी ऑफलाइन एजुकेशन जैसे स्कूल और कॉलेज खोल कर जो किया जाता है, दो एक बड़ी दिक्कत या समस्या वाले एक पेच फंस गया है। प्रोफेसर विताल जी इस पर क्या कहेंगे, इनसे मैं जानना चाहूंगा कि ऑनलाइन एजुकेशन सही है जो ऐसे अभी चल रहा है, क्योंकि वैक्सीन बनने तक अगर हम राह देखें तो वैक्सीन कब बनेगी इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, लॉकडाउन कब हटेगा इसके बारे में हमारे पास कोई जानकारी नहीं, तो ऐसे माहौल में क्या ऑनलाइन एजुकेशन ही सही है जैसे चल रहा है, या फिर स्कूल और कॉलेज पूरे प्रिकॉशंस के साथ में, जैसा प्रेम कुमार जी ने भी कुछ कहा कि प्रिकॉशन हायर जो मेडिकल फैसिलिटीज है वो प्रोवाइड करके हायर प्रिकॉशन लेकर वो स्कूल कॉलेज खोले जा सकते हैं। विताल सर देखिए, ये जो ऑनलाइन एजुकेशन है जी, ये ऑनलाइन एजुकेशन जो है ये सप्लीमेंट्री है, ये मुख्य धारा का एजुकेशन का सिस्टम नहीं है जी। मुख्य धारा का जो सिस्टम एजुकेशन में जो एक जैविक प्रक्रिया है, इसको हमको समझना चाहिए। तो जब दो जो मनुष्य है या विद्यार्थी और शिक्षक, इनका इंटरेक्शन होता है, उसके आधार पर ये भावनिक भी है, सोशल भावनिक आधार पर भी इसको समझना चाहिए, ये एक मानसिक और बौद्धिक क्रिया है। एजुकेशन जो है ये मानसिक बौद्धिक और जैविक क्रिया है, इसके लिए मन का अटेंशन होना, बुद्धि का एकाग्रता का होना ये बहुत जरूरी है। और दूसरी बात है, किसी कॉन्सेप्ट को क्लियर होने के लिए एक आपसी कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है, पढ़ाने वाले में और पढ़ने वाले में, सीखने वाले में ये कम्युनिकेशन होना जरूरी है। ये टू वे कम्युनिकेशन होता है, नॉट एक तरफ से नहीं हो सकता है। तो ऑनलाइन एजुकेशन से अगर आपको देना है तो आप पढ़ा सकते हैं, पढ़ाने के लिए आप यूज कर सकते हैं मानो, लेकिन उससे पढ़ा ही जाता है, सीखने को मिलता है, ऐसा नहीं माना जा सकता। अध्यापन करना, अध्ययन करना, पढ़ाना और सीखना ये दो अलग बातें हैं। सीखने के लिए वो कंसेप्ट का क्लियर होना, अटेंशन होना और बुद्धि का वो लगना, बुद्धि एकाग्र होना बहुत जरूरी है। और ये बात जो है ये ऑनलाइन एजुकेशन में होती है ऐसा नहीं, एक तो ये बात। दूसरी बात यह है कि वैज्ञानिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो जब आप पढ़ाएंगे तो
स्कूल के समय में आप देखेंगे स्कूल को जब पढ़ाया जाता है तो 4 घंटे का 5 घंटे का समय एक दिन का स्कूल के लिए होता है, तो मान लो आप उतना नहीं 3 घंटे तो पढ़ाएंगे। अगर लड़का विद्यार्थी 3 घंटे तक इस डिवाइस के सामने रहेगा तो उसके बौद्धिक और शारीरिक स्थिति पर क्या परिणाम होगा? पहली तो ये पाया गया है कि जो विद्यार्थी जो शुरू के दौर में या 14 साल के पहले के जो विद्यार्थी है, शिशु वर्ग के जो विद्यार्थी है, वो अगर इसके सामने दीर्घ समय तक बैठते हैं तो उनकी आंखें खराब हो जाती। आंखें, अभी एक बार आंखें खराब होगी तो वो सीखने पर भी क्या कर पाएगा, ये बात है। दूसरी बात और गंभीर है, जो विद्यार्थी इस तरीके से डिवाइस के साथ पढ़ते हैं, मोबाइल की जो रेज होती है उससे उनके ब्रेन में हेमरेज होने का या ब्रेन जो है वो डिफेम होने का भी खतरा होता है, उसकी पेशी जो अंदर की पेशी है वो मृत होने का भी खतरा होता है। कई सारे विद्यार्थियों के साथ ऐसा हुआ है। तो इसका मतलब है वैज्ञानिक दृष्टि से, बौद्धिक उनके अगर सुरक्षा के दृष्टि से देखा जाए तो ये भी कोई पर्याय नहीं है। इसको पूरक सप्लीमेंट्री रखना सही है, सप्लीमेंट्री ही रखा जा सकता है, इसी के ही आधार पर पढ़ाना सही नहीं है, ये घातक भी है। एक बात, स्कूल और कॉलेज खोल दिए जाए, सवाल अभी ये है। हाँ। दूसरी बात है, मैं और एक बात आपके नोटिस में लाना चाहता हूँ, ये ऑनलाइन एजुकेशन का जो मामला है वो खड़ा क्यों हुआ? देखिए लॉकडाउन का पीरियड था तो उस समय छुट्टी का, स्कूल के छुट्टी का समय था, लगभग पढ़ाया जा चुका था, खाली एग्जाम बाकी थी, तो वो सबको प्रमोट, जो आरटीए के अंतर्गत तो सबको प्रमोट करना ही था, प्रमोट भी कर दिया गया था, खाली नवी कक्षा का सवाल था तो उसको प्रमोट कर दिया गया नवी और ग्यारहवीं को। रही बात जो है छुट्टी का समय होने के बाद ये स्कूल खोलने की जरूरत थी, तो अभी स्कूल खोलने के लिए जो प्राइवेट स्कूल बनाए दिए गए हैं वो प्राइवेट स्कूल अगर लॉकडाउन के पीरियड में बंद ही रहेंगे, लॉकडाउन के कारण, कोविड के कारण अगर बंद रहेंगे तो वो स्कूल में पढ़ने वाले जो विद्यार्थी है वो अब स्कूल में नहीं जा रहे हैं तो जाहिर है कि वो फीस नहीं देंगे। अगर वो फीस नहीं देंगे तो जिन लोगों ने ये प्राइवेटाइजेशन के तहत एजुकेशन को बिजनेस बना दिया है उन लोगों को पैसा कैसे मिलेगा? क्योंकि अगर हम पूरे भारत में अगर देखते हैं तो सरकारी स्कूलों की तुलना में सरकार के द्वारा किसी विद्यार्थी को पढ़ाने के लिए एक साल के लिए जितना खर्चा आता है, मानो 10,000-15,000 खर्चा सरकार को आता है अगर वो गवर्नमेंट स्कूल में किसी लड़के को, विद्यार्थी को पढ़ाते हैं, तो उसी लड़के को प्राइवेट स्कूल में अगर एडमिशन लिया जाता है तो प्राइवेट स्कूल उसकी फी लाख रुपए भी लेता है, 5 गुना ज्यादा फी लेता है, 5 गुना ज्यादा। और उसी स्कूल में, प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाले जो पढ़ाने वाले जो शिक्षक है उनको दी जाने वाली, कर्मचारियों को दी जाने वाली सैलरी जो है, जो गवर्नमेंट अपने स्कूल में पढ़ाने वाले टीचर्स और कर्मचारियों को जितनी सैलरी देता है उनसे आधी या 1/4 भी सैलरी नहीं दी जाती। तो इसका मतलब क्या है, ये बीच का ज्यादा फी वसूलना और कम खर्चा करके बीच में जो मार्जिन रहता है वही लाखों करोड़ रुपए के मार्जिन से पैसा कमाना, ये जिन लोगों की धारणा से शिक्षा क्षेत्र में आए हैं उन लोगों की समस्या थी कि हम पैसे कैसे वसूल करें अगर स्कूल बंद रहेगा तो इसीलिए उन्होंने पैसे तो, फीस का जो मसला है वो एक अलग है, उस पर भी हम लोग बात करेंगे क्योंकि समय का अभाव है और हमारे पास ये और भी दो मुद्दे हैं। पहला मुद्दा आप ये क्लियर कर दीजिए कि ऑनलाइन एजुकेशन अगर सही नहीं है जैसा आपने बताया तो क्या स्कूल और कॉलेज को खोलना ये उचित है इस माहौल में? नहीं, ऑनलाइन एजुकेशन जो है वो हासिल करने के लिए, मान लो आप ऑनलाइन एजुकेशन चालू भी रखते हैं, उसके दो परिणाम है ना। एक पहला परिणाम है सभी के पास ये जो है ये डिवाइस नहीं है, तो आप देते भी है तो उसके ऑनलाइन एजुकेशन की, ऑनलाइन एजुकेशन की हमने बात की, राकेश जी ने भी कहा, प्रेम कुमार गेडाम जी ने भी कहा, आपने भी कहा। सवाल यह है कि क्या ऑनलाइन एजुकेशन अगर सही नहीं है तो क्या स्कूल और कॉलेज को खोल दिया जाए, ये मुख्य सवाल है। हाँ, अभी अभी स्कूल, ये एक बात तो ये है
कि ऐसा नहीं है कि स्कूल और कॉलेज को बिल्कुल खोला नहीं जा सकता। अगर सही तरीके से सही खबरदारी ली जाए तो उसको खोला जा सकता है। जैसे मानो किसी डिवीजन में 60 ज्यादा से ज्यादा 60 विद्यार्थी होते हैं, उन 60 विद्यार्थियों को हम ऑड डे या इवेंट डे को बुलाए तो 30-30 जो विद्यार्थी है वो एक दिन के लिए होंगे, उसको भी शिफ्ट किया जा सकता है, सुबह का शिफ्ट किया जा सकता है, दोपहर का शिफ्ट किया जा सकता है। तो एक क्लास में 15 ही स्टूडेंट जो है एक क्लास में 15 स्टूडेंट आएंगे। अगर 15 स्टूडेंट आते हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग का, फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए वो स्कूल में जो दूरी है जो बाहर रखी जा सकती है वो दूरी जो है वो रखकर उनको स्कूल में फिजिकल तौर पर पढ़ाया जा सकता है उसके लिए। लेकिन क्या है, उसके लिए जो खतरा पेरेंट्स के मन में है कि हमारे स्टूडेंट को अगर ये हो जाता है, कोरोना हो जाता है, तो ये मानना भी केवल स्कूल में आने से ही उनको कोविड हो जाएगा, ऐसा नहीं। अभी अनलॉक बहुत ज्यादा पैमाने पर अनलॉक को भी कर दिया गया है। सोशल में उसके वो जो विद्यार्थी है उसके पिताजी है, माताजी है, उसके घर वाले है, वो बाजार में जाते हैं, घूमते हैं, वहीं से भी उनको, अभी हम ये अगर तर्क लगा रहे हैं एक विद्यार्थी से दूसरे विद्यार्थी को कोरोना संक्रमण हो जाएगा, तो पहले विद्यार्थी को जो संक्रमण है वो स्कूल में नहीं, वो तो समाज में होगा ना, अपने पेरेंट्स से ही होगा ना। तो पेरेंट्स से किसी को भी हो सकता है, अपने पेरेंट्स से, अपने घर से अगर किसी को हो जाता है तो ये होने वाला है अगर ये स्थिति बनी रहेगी। तो ऐसे समय में केवल एक होगा कि संक्रमण ना बढ़े स्कूल में, केवल संक्रमण बढ़ने का, कोरोना होने का नहीं, संक्रमण बढ़ने का खतरा है। संक्रमण बढ़ने के खतरे को कंट्रोल करने के लिए जो एहतियात बरतनी चाहिए वो बरती जा सकती है। उसके लिए क्या करना चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करो, सैनिटाइजेशन का पालन करो, ये किया जाए। और दूसरी बात है ये, इसके लिए अभी जो है कई सारे राज्यों ने स्कूल खोलने के लिए 1 जुलाई से ही कहा था, लेकिन उसके लिए जो बजट चाहिए, उसके लिए जो सिक्योरिटी चाहिए, उसके लिए जो इक्विपमेंट चाहिए वो मुहैया नहीं कर दिए, स्कूल कैसे खोले जा सकते। तो उसके लिए सारा प्रोविजन सेंट्रल गवर्नमेंट ने, स्टेट गवर्नमेंट ने करना चाहिए, सैनिटाइजेशन की व्यवस्था करनी चाहिए, मास्क शील्ड की व्यवस्था, मास्क जो शील्ड है, फेस शील्ड है, वो दिए जा सकते हैं विद्यार्थियों को, ये किया जा सकता है। उनका सैनिटाइजेशन का ग्लोव्स किए दिए जा सकते हैं, सैनिटाइजेशन की व्यवस्था की जा सकती है। इतना सारा प्रिकॉशन जो हॉस्पिटल में लिया जा सकता है उतना प्रिकॉशन तो स्कूल में भी लिया जा सकता है, इतना लेने की जरूरत नहीं है। संक्रमण ना बढ़े इतना ही लिया तो बहुत हो गया, इतना प्रिकॉशन लेने के बाद और कुछ जो इंस्ट्रक्शन है वो दिए जा सकते हैं। और जरूरी नहीं कि पहली क्लास से शुरू किया जाए, आप जिन बच्चों में, जिन विद्यार्थियों में समझ ज्यादा है वहां से पहले महाविद्यालय को शुरू कर दिए, फिर जूनियर को शुरू कर दीजिए, फिर 7वीं-8वीं कक्षा जिनमें समझ है उनको शुरू कर दीजिए 8-10 दिन का समय लेकर। और जब इसको हम नियंत्रित कर सकते हैं उसमें क्या कठिनाई आती है उसको आप दूर कीजिए, बाद में जिनके ऊपर ज्यादा संक्रमण आता है उसको कीजिए। दूसरी बात यह है कि हो सकता है विद्यार्थियों को संक्रमण हो जाए तो उनकी जान खतरे में, जान खतरे में होने के दो कारण है ना, एक तो उनकी इम्यूनिटी पावर हो सकती है, दूसरा बात है कि उनका, उनको बचाने का, उनको कोविड से बाहर निकालने के लिए जो व्यवस्था चाहिए वो नहीं है, ये हो सकता है। तो पहले सरकार को ये करना चाहिए कि भारत के सभी बच्चों को अच्छा खाना मिले, इसके लिए उनको अच्छा खाना मुहैया करने की जो मिड डे मील है इससे दिया जा सकता है। और भी तरीके हैं जो स्कूल में भी अच्छा खाना पैकेट के साथ उसको डायरेक्ट पैकिंग उसके हाथ में जाए इस तरीके से भी दिया जा सकता है। उसको प्रोटीन के आधार पर, इम्यूनिटी बूस्टर करने के आधार पर उसकी इम्यूनिटी बूस्टर किया जाए उसको, तो कोरोना होने के बाद भी वो उसको कुछ होगा नहीं। दूसरी बात, अगर एक आध दो को कभी हो भी जाता है तो पेरेंट के मन में क्या आशंका है कि हमारे स्टूडेंट को ये हो जाता है, हमारे बच्चे को ये हो जाता है तो उसकी जीवित का क्या, तो उसकी जीवित के लिए उसके खर्चे का समय है, खर्चे की बात है केवल, उसका खर्चा करने के लिए उसके पास अभी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाए तो लाखों रुपए लग जाते हैं। तो सरकार को सभी बच्चों का, और जो लोग इस राष्ट्र कार्य के लिए सारा योगदान दे रहे, टीचर है, शिक्षा कर्मी है, उन सारे लोगों का इंश्योरेंस करवा देना चाहिए, और इंश्योरेंस के साथ उनको ये सिक्योरिटी देनी चाहिए। अगर ऐसा सारा सिस्टम बना के आप काम करते हैं
तो स्कूल खोले जा सकते हैं। राष्ट्र की संपत्ति को महासत्ता बनाने के लिए जो उनको सुविधा चाहे वो दी जा सकती है, सुविधा के साथ इंटरनेट के साथ वो किया जा सकता है। हाँ, ऐसा हो सकता है जी जी। बहुत सारे प्रिकॉशंस लेने होंगे जिसके लिए बजट की भी आवश्यकता है। केंद्र सरकार ने, नरेंद्र मोदी जी ने जो 20 लाख करोड़ पैकेज का जो आह्वान किया है उसमें एक पैसा भी उन्होंने एजुकेशन सिस्टम के लिए नहीं रखा है कि किस प्रकार से हम लोग शिक्षा जो है, स्कूल कॉलेज जो है वो शुरू कर सके, यानी उनकी मंशा नहीं है, यह साफ तौर पर जाहिर होता है। कल सुप्रीम, अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे का एक हमारे पास सब्जेक्ट ये है कि कल ही सुप्रीम कोर्ट ने समान एजुकेशन की जो बात है, एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर हुई थी, उसमें कहा गया था कि समान एजुकेशन होना चाहिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये नीतिगत मामला है, सरकार की नीतियों का मामला है, हम इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकते। तो ऑनलाइन एजुकेशन की जहां तक बात है या ऑफलाइन एजुकेशन की बात है, समान एजुकेशन, समान शिक्षा जो है वो भी सरकार देने नहीं दे रही है। आपने फीस का जिसमें जिक्र किया है, फीस उसमें बहुत ज्यादा मायने रखती है। तो ये समान एजुकेशन जो संविधान के आर्टिकल 21 में लिखा है कि 14 वर्ष के आयु के सभी बच्चों को कंपलसरी और जो है समान शिक्षा मिलनी चाहिए, फ्री एंड जो है वो शिक्षा मिलनी चाहिए, ये सुप्रीम कोर्ट का जो रवैया है वो किस प्रकार से देखते हैं आप, खासकर भारतीय विद्यार्थी मोर्चा के जो जिम्मेदार है, प्रभारी है प्रेम कुमार गेडाम जी, इनसे मैं जानना चाहूंगा। पहली बात तो एक समान शिक्षा प्रणाली भारत में लागू होनी चाहिए, और ये एक समान शिक्षा प्रणाली जो है ये सिर्फ प्राथमिक शिक्षा के बारे में मैं नहीं बोल रहा हूँ, तो हायर एंड प्रोफेशनल एजुकेशन को लेकर ये एक समान शिक्षा प्रणाली होनी चाहिए जो विदेशों में है। विदेशों का जो आंकड़ा हमारे पास है और वहां पे जो पढ़ाई का जो सिस्टम है, तो ऑलरेडी वहां पर एक समान शिक्षा प्रणाली है। एक समान शिक्षा प्रणाली का क्या अर्थ है कि अमीर का भी बेटा वही स्कूल में पढ़े और गरीब का भी बेटा वही स्कूल में पढ़े। अब भारत में जो शिक्षा प्रणाली चल रही है, तो गरीब का बेटा जिला परिषद के सरकारी स्कूल में पढ़ता है और अमीर का बेटा जो है तो बड़ी बड़ी जो इंस्टीट्यूट है वहां पर पढ़ाई करता है। तो ये एक समान शिक्षा प्रणाली ना होने की वजह से आज ये सारी समस्याएं निर्माण हुई है, और इसके लिए कांग्रेस ने ये कार्यक्रम लाया 1990 में प्राइवेटाइजेशन, जिसके द्वारा जो एवरी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है उनका प्राइवेटाइजेशन हुआ। इस वजह से प्राइवेट स्कूल और कॉलेजेस निर्माण किए गए ताकि सरकारी स्कूलों को और सरकारी इंस्टीट्यूट को, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को बंद किया जाए। तो जब प्राइवेटाइजेशन लाया तो प्राइवेटाइजेशन की वजह से एक समान शिक्षा प्रणाली, उन्होंने ये कार्यक्रम उन्होंने वहीं पर डैमेज कर दिया। तो भारत में चाहे प्राइवेट हो या चाहे गवर्नमेंट हो, जो भी हो, एक समान शिक्षा प्रणाली होना बहुत जरूरी है। इस समर्थन में भारतीय विद्यार्थी मोर्चा पिछले 10 सालों से हम लोग इस अभियान पर काम भी कर रहे हैं, और आने वाले दिनों में एक बहुत बड़ा अभियान भी हम लोग चलाने वाले। अभी रहा सवाल सुप्रीम कोर्ट का, अभी सुप्रीम कोर्ट जो है वो कोई सुप्रीम नहीं है, पार्लियामेंट सुप्रीम है। पार्लियामेंट ये निर्णय ले सकती है कि एक समान शिक्षा प्रणाली लागू होगा या नहीं होगा, ये सुप्रीम कोर्ट नहीं बताएगा कि क्या लागू होगा नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट का काम है सिर्फ न्याय देना, निर्णय लेना नहीं है। निर्णय लेने का काम पार्लियामेंट का है, और पार्लियामेंट में जो हमारे प्रतिनिधि जो बैठे हुए हैं, खास करके एससी एसटी के जो प्रतिनिधि है बैठे हुए, वो प्रतिनिधि जो है एक समान शिक्षा प्रणाली की बात करनी चाहिए। ओबीसी के जो प्रतिनिधि है, माइनॉरिटी के जो प्रतिनिधि है, वो एक समान शिक्षा प्रणाली की बात करनी चाहिए, लेकिन वो एक समान शिक्षा प्रणाली की बात नहीं कर रहे है। क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि वो पार्टी और हाई कमांड के गुलाम है। वो प्रतिनिधि हमारे समाज के नहीं है, वो दिखने में हमारे समाज के है, लेकिन वो पार्टी और हाई कमांड के गुलाम है। और वो गुलाम होने की वजह से पार्टी और हाई कमांड जो उनको कहता है वो उतना ही बोलते हैं। मैं तो इस वीडियो के माध्यम से ये बताना चाहता हूं कि इससे हिजड़े अच्छे हैं कि कम से कम ट्रेनों में बजाकर, ताली बजाकर 10 रुपया मांगते, ये उस लायक भी नहीं है।
तो ये एक समान शिक्षा प्रणाली का मामला, ये सुप्रीम कोर्ट से जुड़ा हुआ मामला नहीं है, ये पार्लियामेंट से जुड़ा हुआ मामला है, और ये पार्लियामेंट में हमारे जो प्रतिनिधि है वो प्रतिनिधि इस मुद्दे को सुलझा सकते हैं। आज अर्जुन सेन गुप्ता ने एक रिपोर्ट पब्लिश किया कि 83 करोड़ लोगों की दिन की इनकम 6 से 20 रुपया है, तो वो प्राइवेट स्कूल में, अच्छे इंस्टीट्यूट में कहां से एडमिशन लेगा, वो हायर एंड प्रोफेशनल एजुकेशन कहां से लेगा। यानी हमारे देश में हो क्या रहा है कि कोई बच्चा जो है अंबानी के घर में पैदा हो रहा है, कोई झोपड़ी में पैदा हो रहा है, उसकी दोनों की लेवल, दोनों की आईक्यू, दोनों का लाइफस्टाइल लाने में हम लोग लाने में सोच नहीं रहे हैं, लेकिन लोग ऐसे कहते हैं कि ये आरक्षण ये होना चाहिए, आरक्षण वो होना चाहिए। अबे पहले ये सारी व्यवस्था तो पहले बराबर बराबर बनाइए, एक समान शिक्षा प्रणाली होगा तो क्या होगा, अंबानी का पोता भी वही स्कूल में पढ़ेगा और झोपड़ी का बच्चा भी वही स्कूल में पढ़ेगा, फिर देखते हैं ना मेरिट किसके अंदर है, फिर चेक होगा ना मेरिट, फिर होगी ना टेस्ट। तो ये मामला जो है, ये एक समान शिक्षा प्रणाली का जो मामला है, ये प्रतिनिधित्व से जुड़ा हुआ है, ये भी लोकतांत्रिक व्यवस्था से जुड़ा हुआ है, ये बहुत गंभीर मुद्दा है, क्योंकि 17 नवंबर 2017 का एक दैनिक जागरण का पेपर, वहां पर मैंने एक न्यूज पढ़ी कि किसी भी देश को अगर बर्बाद करना है तो उस देश के ऊपर अनुबाम या शस्त्र चलाने की जरूरत नहीं है। वो पेपर में आर्टिकल आया कि किसी भी देश को बर्बाद करना है तो उस देश के ऊपर अनुबाम या शस्त्र चलाने की जरूरत नहीं है, उस देश की शिक्षा प्रणाली खत्म कर दो, वो देश ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा, उस देश की शिक्षा प्रणाली खत्म कर दो, वो देश ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा। 50 के पहले हमारे एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के लोगों को एक तो शिक्षा का अधिकार नहीं था, ये 50 में संविधान लागू हुआ उस वजह से हम लोगों को शिक्षा मिली। आर्टिकल 21 में संविधान निर्माताओं ने ऑलरेडी लिखा हुआ है एक समान शिक्षा प्रणाली के बारे में, वो उस वक्त की रिक्वायरमेंट थी, वो उस वक्त की रिक्वायरमेंट थी, ये 1950 का मामला है, ये 60 तक रिक्वायरमेंट थी, 70 तक रिक्वायरमेंट थी, अभी 2020 चल रहा है और अभी अगर हम लोग अगर क्लास 1 से 8 तक, यानी जो एग्जामिनेशन को लेकर निर्णय लिया, ये भी एक समान शिक्षा प्रणाली के जो पार्ट है उनमें से ही एक पार्ट है। तो कहने का मतलब अभी जरूरत क्या है, अभी 1 से 7 तक की जरूरत नहीं है, अभी 1 से 8 तक की जरूरत नहीं है, अभी हायर एंड प्रोफेशनल एजुकेशन एक समान होना चाहिए। लेकिन भारत में रेसियल डिस्क्रिमिनेशन का व्यवहार होता है, भारत में कास्टिज्म का व्यवहार होता है, इसलिए तो हमारे बच्चे जो सेंट्रल यूनिवर्सिटियों में पढ़ाई कर रहे हैं या स्टेट यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे हैं आज उनको सुसाइड करना पड़ रहा है, ये क्यों हो रहा है ऐसा, तो भारत में एक समान शिक्षा प्रणाली ना होने की वजह से ये सारा सिस्टम हो रहा है। क्योंकि जब बच्चा हमारा मेरिट में आता है, टैलेंट होता है, फिर भी वो ओपन में फाइट नहीं कर सकता, यानी हमारे बच्चे के अंदर टैलेंट है तो वो ओपन में फाइट नहीं कर सकता, उसको कैटेगरी में डालते, और जब बच्चा कैटेगरी से फाइट करता है तो लोग क्या बोलते, अरे ये रिजर्वेशन की था इस वजह से ये आया। यानी ये जो जिस प्रकार से हरेशमेंट हमारे छात्रों के बीच चल रही है, अगर एक समान शिक्षा प्रणाली होगा तो रेसियल डिस्क्रिमिनेशन का मामला समाप्त होगा, कास्टिज्म का भी मामला समाप्त हो सकता है, लेकिन भारत के मनवादी ब्राह्मणवादी लोगों को, ये कांग्रेस बीजेपी कम्युनिस्टों को ऐसा होने देना नहीं है, क्योंकि इनके ऊपर इनकी राजनीति बनी हुई है, रेसियल डिस्क्रिमिनेशन के ऊपर इनकी राजनीति बनी हुई है, कास्टिज्म के ऊपर इनकी राजनीति बनी हुई है, इसीलिए ये लोग एक समान शिक्षा प्रणाली ये लोग लागू नहीं करने वाले हैं और ना ही इसके ऊपर ये लोग चर्चा करते, इसीलिए तो इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की। ये सुप्रीम कोर्ट में याचिका कोई एससी एसटी ओबीसी ने थोड़ी दाखिल की, ये तो अपर कास्ट के व्यक्ति ने दाखिल की। कहने का मतलब यह है, भारतीय विद्यार्थी मोर्चा, हम लोग एक समान शिक्षा प्रणाली का समर्थन करते हैं, ऑलरेडी संविधान में लिखा हुआ है, बस वर्तमान परिस्थितियों को ध्यान में रखकर उस पर अमल करना है। अगर एक समान शिक्षा प्रणाली अगर भविष्य में लागू नहीं होगी तो जितने भी विधायक और सांसद हमारे देश के, खास करके एससी एसटी ओबीसी के, उनके घर के सामने घंटा बजाओ आंदोलन हम लोग शुरू करने वाले हैं एक समान शिक्षा प्रणाली को लेकर। जी शुक्रिया प्रेम कुमार जी और तमाम जितने भी हमारे पैनलिस्ट हैं,
प्रोफेसर वेताल जी विद्यार्थी के जो प्रतिनिधि के तौर पर हमारे साथ जुड़े, राकेश गायकवाड़ जी और प्रेम कुमार गेडाम जी, इन सभी का मैं आभार व्यक्त करता हूँ। 1.25 घंटे से ज्यादा हम लोग इस पूरे एजुकेशन सिस्टम पर जो अभी चल रहा है उस पर हमने चर्चा की। चर्चा का निचोड़ अगर बताया जाए तो ऑनलाइन एग्जाम की जहां तक बात है या एग्जाम लेने की जो बात यूजीसी ने कही है वो ना ऑनलाइन अभी इस माहौल में पॉसिबल है और ना ही ऑफलाइन पॉसिबल है। इसमें वेताल जी ने जो सुझाव दिया है कि जिन लोगों को, जो लोग डिस्टिंक्शन में आना चाहते हैं या फर्स्ट क्लास में आने के लिए जिन लोगों ने मेहनत की है, पढ़ाई की है, उन लोगों की अलग एग्जाम हो, जो लोग एवरेज पिछले 2 सालों का 3 सालों का जो एवरेज है उसके आधार पर कुछ लोगों को उनका रिजल्ट दिया जा सकता है और कुछ लोगों को प्रोविजनल सर्टिफिकेट भी दिया जा सकता है। जहां तक ऑनलाइन एजुकेशन की बात है तो ऑनलाइन एजुकेशन जैसा सभी ने कहा कि ये विकल्प नहीं है, ये एक सप्लीमेंटरी है। तो स्कूल कॉलेज खोलने होंगे लेकिन खोलने के लिए यह जिम्मेदारी केंद्र सरकार, सबसे बड़ी जिम्मेदारी केंद्र सरकार की होगी, फिर राज्य सरकार की होगी और उसके बाद उस कॉलेज और स्कूल का जो प्रशासन है उनकी जिम्मेदारी होगी सभी प्रकार के प्रिकॉशन लेकर। जी संकेत जी, इसमें एक बात है कि जैसे हमने कहा कि ऑनलाइन एग्जाम एक पर्याय है, एक माध्यम है, लेकिन ये कारगर साबित नहीं होगा या ये कोई अंतिम ये नहीं है, ये सप्लीमेंट्री है। दूसरा, हम एग्जाम आज वर्तमान में परिस्थितियों को ध्यान में रखकर, कोरोना लॉकडाउन को ध्यान में रखकर हम एग्जामिनेशन नहीं होनी चाहिए इस रेफरेंस में। इसका मतलब भविष्य में कभी भी एग्जाम नहीं होगी ऐसी बात हम लोग नहीं कर रहे, ये बात समझना बहुत जरूरी है। दूसरा, जो हम लोग स्कूल कॉलेजेस खोलने की जो बात कर रहे हैं, वो स्कूल कॉलेजेस खोलने की बात हम किस आधार पर कर रहे हैं, परिस्थितियों को ध्यान में रखकर। अगर परिस्थिति कंट्रोल में है तो उस आधार पर, अगर उस प्रकार की अगर हायर हेल्थ फैसिलिटीज या मेडिकल फैसिलिटीज अगर प्रोवाइड होती है तो स्कूल कॉलेजेस बिल्कुल ही खोलना चाहिए, लेकिन जरूरी नहीं कि वो कल खोलनी चाहिए, परिस्थितियों को ध्यान में रखकर। नहीं तो क्या होगा, नहीं तो ये होगा कि हम एग्जाम नहीं लेने की बात कर रहे और फिर स्कूल कॉलेजेस भी खोलने की बात कर रहे, तो ये गलत मैसेज हम लोग बिल्कुल नहीं देना चाहते परिस्थितियों को ध्यान में रखकर। लेकिन आज की परिस्थिति ऐसी है कि हम लोग एग्जाम नहीं ले सकते, उसको प्रमोट करना छात्रों को यही एक पर्याय हो सकता है। और दूसरा, स्कूल कॉलेजेस खोलने की बात जो है तो परिस्थितियों को ध्यान में रखकर और उस प्रकार की फैसिलिटीज प्रोवाइड करनी होगी। इस रेफरेंस में मैं सरकार का एक बयान आपको बताना चाहता हूं, इसलिए मैं बीच में ही अपनी बात शुरू किया। सरकार ने कहा कि अगर किसी भी छात्र को या किसी भी व्यक्ति को, छात्र के रेफरेंस में कहा कि किसी भी छात्र को अगर वो कोरोना पॉजिटिव होता है तो उसको 1,00,000 रुपए देंगे और अगर उसकी मृत्यु होती है तो उसको 3,00,000 रुपए देंगे। ये एक जो बात अभी सामने आई है कि अगर छात्र को कोरोना होता है, पॉजिटिव है, तो 1,00,000 मिलेगा, अगर मृत्यु होती है तो 3,00,000 मिलेगा। अभी जो प्रोफेशनल एजुकेशन वाले जो छात्र है, डॉक्टर, वकील, इंजीनियर है, अभी मेडिकल क्षेत्र के स्टूडेंट का अगर देखा जाए तो पढ़ाई करने के लिए, उनका कोर्स कंप्लीट करने के लिए करीबन 15,00,000-20,00,000 रुपए लग जाते हैं और कोरोना से मर गया तो 3,00,000 मिलेंगे, कोरोना पॉजिटिव निकला तो 1,00,000 मिलेंगे। यानी ये जो सरकार जो है, ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार नहीं है बल्कि ये आरएसएस की सरकार है, ये मोहन भागवत जी की सरकार है, ये अपर कास्ट लोगों की सरकार है, मनुवादी ब्राह्मणवादी लोगों की सरकार है। ये लोग हमारे बच्चों को मारने पर तुले हुए है, चुनाव जीतने के लिए जैसे बॉर्डर के सिपाहियों का इस्तेमाल करते हैं उसी प्रकार से लॉकडाउन बढ़ाने के लिए हमारे छात्रों का इस्तेमाल करने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए ये लालच दे रहे कि पॉजिटिव मिलेगा तो 1,00,000 और मर गए तो 3,00,000। हाँ, तो ये लालच देने का अभियान चला रहे हैं तो ये गलत बात है। इसलिए एग्जाम नहीं होनी चाहिए, बच्चों को प्रमोट करना चाहिए, ऑलरेडी बच्चे हमारे पढ़ाई कर चुके थे, पास ही होने वाले थे। और दूसरा, ऑनलाइन एग्जाम ये एक माध्यम है, ये पर्याय नहीं, सप्लीमेंट्री है। स्कूल कॉलेजेस खोलना चाहिए लेकिन परिस्थितियों को ध्यान में रखकर खोलना चाहिए और उतनी प्रकार की फैसिलिटीज वहां पर
प्रोवाइड करनी चाहिए और ये एक पर्याय हो सकता है, ये मुझे इतना कहना था इस संदर्भ में। जी शुक्रिया आप सभी का।